बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। आप देख सम्राट सिंह ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो मैं आज फिर से वही दुबई वाला जो एयरपोर्ट था वहाँ पे आ गया हूँ, आपको तो बैकग्राउंड थोड़ा वैसे दिख रहा होगा। तो गाइस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कूलेंट कैसे चेक करें बाइक का, NS200 का कूलेंट कैसे मतलब चेंज करना है, चेंज करना है। तो मैंने आज खुद ही अपने आप इसका कूलेंट वगैरह चेंज किया है, तो इस वीडियो में पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कैसे कैसे आपको कूलेंट चेंज करना है, कैसे रिफिल करना है, सारी चीज़ ध्यान में रखते हुए एक चीज़ बताइए, क्योंकि आप अगर सर्विस सेंटर से कराते हो तो कम से कम 500 रुपये लग जाएंगे कूलेंट चेंज कराने में, जबकि कूलेंट 200 रुपये का आ जाता है, अच्छा वाला ज़्यादा से 250 रुपये का, बस उससे ज़्यादा का नहीं, 1 लीटर कूलेंट में पूरी बाइक का कूलेंट चेंज हो जाता है। और अगर आप सर्विस सेंटर से कराते हो तो कम से कम 500 रुपये लगेंगे, ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस दो चीज़ चाहिए चेंज कराने के लिए, एक एलकी चाहिए जिस पेज खोलने के लिए, और एक गोटी चाहिए, बस दो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं और कुछ नहीं, दो चीज़ों से पूरा कूलेंट चेंज हो गया। बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है कूलेंट चेंज कराने की, तो बार बार क्यों ज़्यादा पैसे लगा के चेंज कराया जाए, तो वो चीज़ें मैंने सारी इस वीडियो में बताई, वीडियो को बिना स्किप करो वीडियो को पूरा देखो, और दुबई का एयरपोर्ट भी दिखा दो भाई। आज हम फिर से वही दुबई के एयरपोर्ट में घूमते घामते आ गए, यहीं पर आए थे पास में, तो थोड़ा दिखा दें आपको दुबई का एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर काफ़ी सारे पैसेंजर्स आज आ गए हैं उस दिन की तरह, वो वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो भी देख सकते हो आप। तो गाइस कूलेंट चेंज कर रहे हैं हम आज बाइक का, यहाँ पे होता ही है एक नीचे एग्जिट करने का, निकल गया सारा कूलेंट, अब डालो इसमें पानी, स्प्रिंग लगी हुई है इसलिए ऊपर घूम आ रहा है प्रेशर के वजह से। अगर मैंने अपनी गाड़ी को खोल दिया मेरा हाथ पर सक्सेस नहीं, मैं सोच रहा पानी गिरने को आए, वाइपर में पानी गिर रहा है, मैंने खोल दिया झट से ही मेरी मोरा मुंह बच गया, हाथ चल गए, तो गाइस इसमें दो हैं, एक कूलेंट का जो ऊपर वाला ये होता है इसमें दिखाता है कितना कूलेंट है, ये इसमें डलता है कूलेंट थोड़ा सा, और इसमें तो लगभग इसमें 7 से 8 डलता है, इसमें भी पानी इसलिए डाल रहे हैं हम कि जैसे कि जो ग्रीन कूलेंट अंदर है भी जो कूलेंट है वो सही से साफ़ हो जाए, देखो ग्रीन पूरा निकल रहा है, जब तक ये बिल्कुल पानी की तरह नहीं आना स्टार्ट होगा तब तक डालते रहेंगे। ये वाला यहाँ का एक पेज खोलना होता है, आठ नंबर पेज, ज़्यादा कुछ खोलने की जरूरत नहीं, बस टैंक खोलना। तो गाइस ये क्लीन करने के बाद मैं आपको एक बार स्टार्ट करके बाइक इसको सही से साफ कर लेना, देखो स्टार्ट करते हैं इसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, थोड़ा अंदर से साफ होकर निकल जाए, कूलेंट बिल्कुल गर्म निकल रहा है, अंदर से पानी है तो कूलेंट कहाँ सुखा लें, इसको ड्राई कर लें मतलब जिससे कि पूरा ये अंदर का रेडिएटर पूरा साफ़ हो जाए, पानी इसलिए डाला है हमने, तो नॉर्मल पानी डाला है, आप इसमें चाहो तो
डिस्टिल वाटर भी डाल सकते हैं। ये जो टैंक होता है जिसमें ये भरा जाता है, इसमें होता है कि जैसे कि कूलेंट इसमें ख़त्म हो जाता है तो इसमें से वापस अपने आप लेता रहता है इधर से। ये इसको ये पाइप निकाल के इसको भी साफ कर लेना अच्छे से। मैंने पूरा नहीं इसलिए नहीं खोला क्योंकि पूरा खोलने पूरी बहुत सारी झंझट है, तो पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम जो हमें काम करना है वो यहीं से हो जाएगा, तो पूरा क्यों खोलना है। ये अच्छे से हमने साफ़ कर लिया, फूक इसमें बिल्कुल सुखा के इसको ड्राई करके यहाँ से फूक मार के पूरा ड्राई कर लेना इसको। यहाँ पे वापस इसको लगा देंगे, वहीं लगा रहे हैं इसको। बहुत लग गया वापस, वो वाला पेच कस देंगे नीचे वाला। ये पूरी हमारी सामग्री है खोलने वाली, ये कूलेंट ले गए हम, 200 रुपीस का आया है ये डलेगा। यार इस पे तो ML भी नहीं लिखा कहीं, मतलब 1 लीटर लिखा है। हाँ तो गाइस वापस से हम इसको यहीं पे कस देंगे इसको। ये इसी का ही है मुझे तो लगना रहा है, इसका नाम तो किसी और का होगा, छोड़ो इसको वैसे ही वापस वो उसी पे लगा देखो। टाइट कर दिया इसको बस, है ना, ये तो अच्छे से टाइट हो गया। तो गाइस ये वाला जो पेज है, ये वाला पेज जो है यहाँ पे वापस से लगा देना, हमने लगा दिया है यहाँ से। ये निकालने के लिए है इसको कूलेंट को बाहर, जिससे कूलेंट निकल रहा था, तो ये वापस से यहीं लगा दिया। अब इसमें भर देंगे यहाँ से कूलेंट अच्छे से अंदर, आप देख ही सकते हो कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। चलो जी डालो, देख रहे हो टैंक कितना गंदा हो गया अंदर से। ये भी साफ करेंगे, धुल देंगे इसको अच्छे से। ऐसी लग रही है बिक्की सी बिक्की सी लग रही है ना। आई डोंट हैव आइडिया, साफ से उसको बस ज़्यादा ही उम्र खोल इसमें डाल लाम 300 ml छोटे वाले में। ये भर जाएगा उसमें, पहले एक काम करूं इसे रिफिल कर दूं। ना 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 नहीं, इसे भर दूं पहले, उसके बाद सारे इसमें ना, इसमें ज्यादा आएगा, तुम भरो तो सही से। पहले ले लियो डिब्बा और कम पड़ेगा, रिफिल कर लियो। हां 200 रुपए का, कोई ज्यादा ना ना, 1 लीटर डला है, 700 ml इसमें डला है, 300 ml इसमें डला है, इसमें बचा लिया 300 ml, देख लिया वो 700 ml का तो खुद ही भर जाएगा, बचाने की जरूरत क्या ना, इसमें 700 ml डालना है बस। है कितने का रही हो, 100 ही होएगा, देखो डब्बे में कितना क्या है, 300 ml वही तो बहुत है यार, आधा ले आधा। हाँ गाढ़ा गाढ़ा माल है बिल्कुल, नीचे को निकल तो ना रहा था। हाँ नीचे कहाँ निकलेगा, तो ये पेच पेच ना लो, ज़्यादा ही भर दिया हो। 300 ml बिल्कुल पूरा रह गया, 700 पूरा हो, चला जाएगा तो नीचे को चला जाएगा अभी, तो भरूँ इसे। तो भाई ये हो गया फुल, बातों बातों में ज़्यादा डाल दिया, ये छोटे वाले में 300 ml का समथिंग आता है, यहाँ पे दिखा देगा। दिखाने लगा क्या, अभी तो नहीं आया, हल्का डालो, चल रहा है मेरा तो आगा। ये पूरा शीशा गंदा हो गया ना, यहाँ तक आ गया ये रहा, खुर्च दूंगा मैं, एक दिन खुर्च दूंगा इसे, खुर्चने तो खराब हुआ है, जिस दिन मेरा मौका पड़ा ना उस दिन इसकी दूसरी डलेगी बॉडी, खिल्ली सी गया ऊपर तक। तो गाइस कूलेंट डल गया है, आपको क्या करना है, जो टैंक की खोलना है, मैं टैंक वाली वीडियो नहीं बना पाया हूँ, ये पूरा आपको टैंक नहीं खोलना है, जो कुछ लोग पूरा खोल के हटा देते हैं अलग, उसके हटाने के बाद ये सब चीज़ें खोलनी पड़ जाती हैं, ये सब नहीं खोलना है आपको। ये ऊपर वाले 2 पेज खोलने हैं हल्की से, एक ही खोलना है, एक ये खोलना है, ऐसे ही उधर हैं उधर के साइड में ये दोनों, और ये दोनों पेज हैं, और 2 पेज यहाँ पे हैं, ये मतलब 2, 4, 6, 2, 8 पेज खोलने हैं, पूरा खुल जाता है उसके बाद। और ये है एक उधर है गुड्डू की बउआ, ये तो क्या करें। तो गाइस कुछ ऐसी दिखती है अंदर से बाइक के खोलने के बाद, टैंक इसका टैंक अपने साफ कर दिया है, पूरा गंदा हो रहा था अंदर से, अब लगा देते हैं इसका ये बॉडी।
लगने लगेगी थोड़ी सही सी। देखो लोके चेंज हो गया भाई सर। वो करना क्या है, ये वाले बोल्ट खोल लेने हैं। इस टाइम पे जो खोलोगे, मैं तो अभी टाइट कर रहा हूँ, पहले मैं सूट नहीं कर पाया था। एक पेच ये है, ऐसा ही एक इधर है टैंक के बॉडी खोलने के लिए, ये वाला बुलेट के जब ये ऊपर ये वाला पेच ये खोल लेना, बॉडी खुल जाएगी ऊपर की बाइक की। दो पेच ये है, इनको कसेंगे तो एल की वाले हैं, और दो पेच इधर है। टैंक में ये पेच है, ये हमने कस दिया है, एक दूसरा कसा जा रहा है। फाइनली देखो आप ग्रीन इसमें दिख गया होगा, पूरा भर दिया है ऊपर से। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी।